नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज अपन चर्चा करने वाले हैं आईसीआर एग्जाम के बारे में। साथियों है ना, ये यहाँ पर ईसीएम कर दिया एग्जाम है, आईसीआर एग्जाम 2024 के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो मैं बता दूं, 9 सीट्स 9 सिलेक्शन साथियों, जो ये मुद्दा है मैं आपको बता दूं, ये काफी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। और जिन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं की उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इस पर वीडियो डालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर आईसीआर के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। साथियों क्या खिलवाड़ हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ रफली, एक बार जो भी मामला है क्या है पूरा बता देता हूँ। पहले लगभग 16 यूनिवर्सिटीज ने क्या कहा कि हम राजस्थान में जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, एबीसी ग्रुप के, एग्रीकल्चर जो ग्रुप के हैं, उनको अपन नहीं लेंगे। तो उन्होंने ठीक है वहां पर उनके जो है चॉइस फिलिंग के अंदर एड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर जैसे इंदिरा गांधी वाली है, वहां पर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब वहां पर क्या शो हो रहा है कि योर फॉर्म जो है रिजेक्टेड, यहाँ पर स्टूडेंट ने भेजा है कि एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस रिजेक्टेड, मतलब उनका जो है एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन रिजेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, सब्जेक्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास आर नॉट एज पर रिक्वायरमेंट अवर यूनिवर्सिटी। ये कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, हमें एग्रीकल्चर के विद्यार्थी नहीं चाहिए राजस्थान वाले। तो साथियों ये कहीं ना कहीं ज्यादा ही खिलवाड़ हो रहा है, बहुत गलत है। दुख होता है कि किसी विद्यार्थी ने साल भर यहाँ पर तैयारी की, मेहनत की, पसीना बहाया, पैसा बर्बाद किया, टाइम लगाया, और उसके बाद में मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, इसीलिए मना कर दिया साथियों, ताकि यहाँ पर बैंक आएगी। यहाँ पर क्या कचरा समझ रखा है क्या अपने स्टूडेंट्स को साथियों, गलत है। यूनिवर्सिटी ने जो भी किया गलत है, यही नहीं 16 यूनिवर्सिटीज ऐसे पहला कर चुकी है, उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, और उसके बाद में जो इंदिरा गांधी वाली यूनिवर्सिटी है वहां पर उसने भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए साथियों, तो गलत है, दुख होता है। स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, कॉलेज अलॉट हो गई थी, फर्स्ट राउंड में मिल गई थी, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, अब हम क्या करें। साथियों सबसे पहली चीज, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ, हम सबको दुख है, हम भी चिंतित है कि विद्यार्थी के साथ में गलत हो रहा है। और जब भी आपके हकों की आवाज आएगी हम आवाज को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपके हक की बात आएगी हम आवाज उठाने के लिए तैयार रहेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम उसी किसान कौम से आते हैं जिन्होंने सरकार को घुटने टिकवा दिए थे किसान बिल पर। तो ये यूनिवर्सिटियां कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कमी कहां पर है, कमी कहां पर है कि कोई बोलने वाला नहीं है। जब आवाज ही नहीं उठाएंगे, यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करेगी, कौन बोलने वाला है यूनिवर्सिटी को, कोई नहीं बोलने वाला, तो फिर क्या है, स्टूडेंट्स का जो भविष्य स्टूडेंट्स के पास रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तो स्टूडेंट्स के साथ में क्या होगा, खिलवाड़ होता रहेगा साथियों। तो सबसे पहली चीज, जितने भी एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल है, कोचिंग है, जितने भी ये चलाते हैं बैच वगैरह, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो बनाइए। चलो मानते हैं कि आपकी हमारी मान लो को छोटी मोटी दुश्मनी, आप मान लो कि दुश्मनी है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के भविष्य की जब बात आती है तब दुश्मन भी एक जगह हो जाते हैं और वीडियो डाल देते हैं साथियों। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा, वैसे हालांकि हमारी कोई दुश्मनी किसी से है नहीं फिलहाल, तो एक बार आप सभी को वीडियो डालनी चाहिए, बताना चाहिए। और जो भी आपके अप्रोचेज है कि आईसीआर में आपका कोई बैठ रहा है, मिनिस्ट्री के अंदर आपके कोई जानकार है, किसी का डिप्टी सीएम जानकार है, किसी का सीएम जानकार है, किसी के प्रधानमंत्री दादाजी लगते हैं, तो उन सबको कहना चाहूंगा एक बार अपनी जो स्टूडेंट्स की आवाज है एग्रीकल्चर वालों की आप वहां पर पहुंचाइए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। काफी सीटें यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, पहले 16 यूनिवर्सिटीज ने मना कर दिया कि यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो 40-42 पे एडमिशन हुए वहां पर भी फॉर्म रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या हुआ, इससे 2022 रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेज नहीं मिल पा रही राजस्थान वालों को, क्यों भाई, 5-5, 6-6 हजार पर एग्रीकल्चर ऑनर्स के कोर्स मिल रहे हैं लेकिन राजस्थान वालों को नहीं दिए जा रहे, तो अत्याचार है। विद्यार्थी कहीं का भी हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, यूपी का हो, खिलवाड़ हमेशा खिलवाड़ ही कहलाता है, गलत है। मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूँ, दुख है साथियों की ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स काफी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स काफी मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई लगा देते हैं बेटा या बेटी की पढ़ाई पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर खिलवाड़ होता है। मामला छोटा सा नजर आ रहा होगा लेकिन देखा जाए एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफी ज्यादा गंभीर विषय है, निंदा का विषय है, इसको संज्ञान में लाने की जरूरत है। हमारे से जो भी होगा हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हमारी प्रोसेस है, कोई जानकार है, कोई रिश्तेदारी में है, कहीं पर भी हम बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस किसान परिवार के बच्चों का यूट्यूब है और वो जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए। आपको एक सजेशन दूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी आईसीआर की मेल है, कॉलेज की मेल है, जिस भी यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है, जो अपने इंदिरा गांधी वाली यूनिवर्सिटी है उसने, तो उनको आप मेल करते रहिए, बार बार कॉल करते रहिए, मुद्दे को हाईलाइट कर दीजिए एक बार,
हम भी जो है हमारी कोशिश पूरी करते रहेंगे, आईसीआर को कॉल करेंगे, मेल करेंगे, आप भी जो मेल आईडी है वो ले सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम आईडी ब्राइट एक और पता नहीं वहां पर मैसेज कर देना, हम अवेलेबल करवा देंगे, या फिर आप ऑनलाइन कहीं से भी देख के और आप इस चीज को एक बार हाईलाइट कीजिए, गलत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब सीटें ही नहीं होगी, आप दोगे नहीं मौका, तो सिलेक्शन कैसे होंगे, फॉरम रिजेक्ट आप कर रहे हो, है ना। और कंप्लीट चीजें मैंने आपको बता दी कि ऐसा मामला हो रहा है, पहले 16 यूनिवर्सिटीज ने की, फिर बाद में जो है एक दो वो भी ऐसे नाटक कर रही है, तो कहीं गलत है, ऐसा यूनिवर्सिटीज को नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे सीटें नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स को मेहनत करने के बाद में, कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने के बाद में, साल भर की तैयारी करने के बाद में भी, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ है। मंजिल के पास में आ गए लेकिन मंजिल पर, जो मंजिल के पास से पहुंचने से अपन रह गए थोड़े से एक सीढ़ी, तो वो गलत है और वो स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। यहाँ पर जो अपना जो भी ये पूरा मामला है, इसके अंदर जो भी स्टेप बाय स्टेप जो कड़ियां जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं गलत है। इस पूरी चीज को एक बार सही करने की अपन को आवश्यकता है, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर के अंदर है, अपन बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के अंदर अगर कृषि की ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं अपनी दुर्दशा है, अपन मान सकते हैं कि अपने साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है आज भी। तो इस चीज को एक बार हाईलाइट करने की जरूरत है। आज की वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है कि स्टूडेंट के साथ में गलत हो रहा है, और अगर ब्राइट एग्रो क्लासेज ही आवाज नहीं उठाएगा किसान वर्ग के बच्चों की, तो कौन उठाएगा साथियों। हम आपके दुख में भी आपके साथ हैं, आपके सुख में भी आपके साथ हैं, तो ब्राइट एग्रो क्लासेज तो हमेशा आपके साथ में, हम हमारी पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश कर देंगे और कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट राउंड तक आपके इस मामले को एक बार जो है ठीक किया जाए, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में भी विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। तो 100% हमारी कोशिश रहेगी कि इस मामले को स्पोर्ट राउंड तक ठीक करवाया जाए, जो भी हमारी कोशिश होगी हम पूरी करेंगे, और अगर भगवान अपनी बात सुनेंगे तो आपका जो मामला है वो ठीक हो जाएगा साथियों, उम्मीद रखना। लेकिन उम्मीद मत हारना, आपको जो भी करना है आप करते रहना, छोड़ना मत, ईमेल वगैरह मेल वगैरह जो भी कॉल वगैरह करना है आपको करना है। ये देखो फॉरम रिजेक्टेड बता देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की, मैंने ये देखा स्क्रीनशॉट, बुरा लगा मेरे को भी कि गलत है। मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो वही अपनी इंस्टा आईडी रहने वाली है आपके पास में, आप कभी भी यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ब्राइट एग्रो 4845 जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है ये रहने वाली है साथियों, है ना। तो आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, या कोई डिप्रेशन में आ रहा है स्टूडेंट की सर मैं क्या करूँ, मैंने एक साल की तैयारी दो साल की तैयारी की, तो उनके लिए भी अपन बात करेंगे, उनको गाइड करेंगे, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेज अगर आपका साथ नहीं देगा तो कौन देगा साथियों। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए और कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज कर देना, और जो भी आपके साथ में ये हो रहा है, जो खिलवाड़ हो रहा है उसके हम खिलाफ है, कहीं ना कहीं हमारी जितनी कोशिश रहेंगी हम कोशिश करेंगे कि आप किस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करवाया जाए, सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए साथियों। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, धन्यवाद।